आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। इनका कोई चार्ज नहीं है, यह चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे जम सूट की कटिंग। जम सूट की कटिंग टी शर्ट और जो पजामा होता है एक साथ ही कटिंग की जाती है। इसमें हम जो कमर में है वो इलास्टिक लगाएंगे। चलिए दिखाते हैं इसकी कटिंग हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से की है। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर। इसका नाप इस प्रकार से है। लंबाई है 41 इंच, चेस्ट है 28 और कमर का नाप है 23 इंच और हिप का नाप है 33 और गला रहेगा आगे का 5.5 और पीछे 3.5 इंच। इस तरीके से इसका नाप है। और किस तरीके से कटिंग करेंगे इसको, हम पहले पूरा इस तरीके से खोल लेंगे कपड़े को। इस तरीके से अब इसमें हम किनारे को देख करके उल्टा सीधा देख लेंगे। इसमें वैसे इसमें पता नहीं लग रहा है, बाकी आप जैसे कटिंग करो तो पहले उल्टा सीधा देखना चाहिए। पहले हम किनारे से देखेंगे, जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो इसको हम इस तरीके से किनारा मिला करके बिछा लेंगे, कपड़े को बराबर कर लेंगे और 4 फोल्ड बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ये किनारा मिला करके 4 फोल्ड कर लिया है और बन साइड अपनी तरफ है, बन साइड अपनी तरफ रखा है। ऊपर से हम तीरे का नाप लगाएंगे, यहाँ से हम लंबाई रखेंगे। पहले हम जो ऊपर खुली साइड है इसको हम सीधा कर लेंगे। जो हमने सीधा करा है यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 41 इंच लंबाई है, ये है 41 है, तो हम आधा इंच बढ़ा करके निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे में मार्जिन के लिए। इस तरीके से और जो 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए नाप लगा लेंगे, 1.5 इंच फोल्ड के लिए इस तरीके से। अब ऊपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे और हिप है 19 इंच पे, हिप का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो ये हमने निशान लगाए हैं इसको हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट 28 इंच है, 1.5 इंच बढ़ा करके निशान लगाएंगे। 28 है तो 29.5 इंच कम साइज है, इसलिए हम इसमें कम मार्जिन मतलब लूजिंग देंगे। सेवन पॉइंट थ्री पे हम निशान लगा लेंगे चेस्ट का। कमर है 23 इंच है तो 23 इंच में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे मतलब लूजिंग देंगे। 24 इंच हम कमर का नाप लगाएंगे। इसका 24.5 इंच का आधा करा तो 12.5 इंच, इसको भी हम आधा करेंगे। 12.5 इंच का आधा करा है तो ये आया 6.1। इस तरीके से हम कमर का निशान लगा लेंगे। अब हिप है 33 इंच हिप है, 2 इंच का मार्जिन देंगे क्योंकि इसमें ऊपर कमर की साइड इलास्टिक लगेगी। जो हमारा जो पजामा है इसमें ऊपर नीचे अलग अलग नहीं बन रहा है, सेम
बन रहा है जॉइंट, इस तरीके से हम इसको हिप का नाप 2 इंच लगाएंगे। जैसे हमने चेस्ट कमर में 1.5 इंच और ऊपर नीचे हिप में हमने 2 इंच मार्जिन दिया, तो इसका हमने आधा करा तो 17.5 इंच, 17.5 इंच का आधा करेंगे। इस तरीके से ये 17.5 इंच का आधा करा हमने तो आया है 8.8। इस तरीके से ये हिप का नाप लगाएंगे, 8.8 ये हमारा हिप का नाप है। अब इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिक डलेगी, तो 2 इंच ऐड करेंगे तो 11 इंच, इस तरीके से ये 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। 11 इंच लगभग, ये पतला साइज़ है इसलिए 11 इंच पे हमने हिप का नाप लगा लिया। ये कमर का नाप है जो यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। अब जो है इसको हम मिला लेंगे, जैसे हमने ये निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से हम कमर से हाथ से शेप देंगे इस तरीके से। अब नीचे जो ये हमने 1.5 इंच लंबाई का निशान लगाया है, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है उतना ही नाप लेंगे, इस तरीके से नाप लेंगे। 11 इंच है तो 11 इंच नीचे भी निशान लगा लेंगे 11 इंच पे। और 11 इंच का सेंटर बनाएंगे तो 5.5 इंच है, 5.5 इंच नीचे भी उतना ही 5.5 इंच पे। अब जो ये हमने ये सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ से हम मोहरी नापेंगे। मोहरी है 14 इंच, मोहरी है तो 14 इंच का आधा करेंगे तो 7 इंच, 7 इंच को हम इस तरीके से आधा करेंगे तो 3.5 इंच पे, इस तरीके से 3.5 इधर लगा लेंगे निशान और 3.5 इंच इधर लगा लेंगे। ये तो हमने 7 इंच नीचे मोहरी का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम मोहरी के निशान से और ये ऊपर जो कमर का निशान है यहाँ तक मिला लेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। ये नीचे का पजामे का नाप है, इसको अंदर की गहराई की तरफ से इस तरीके से। अब जो ये अंदर की साइड निशान इस तरीके से लगेगा, जैसे आसन का नाप लगाएंगे 10 इंच पे। हमने आसन का नाप लगाया, फिर उसके बाद जो ये हमने गहराई वाली साइड है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और जहाँ हमने आसन का निशान लगाया है उतना ही हम निशान लगा लेंगे। ये तो हो गई नीचे की पैंट का नाप का निशान लगा लिया है। अब ऊपर हम तीरे का निशान लगाएंगे, तीरे का नाप लगा लेंगे। जैसे गला इसमें आगे का है 5.5 इंच और पीछे का 3 इंच है, तो इसमें हम इस तरीके से 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे तीरे का, इस तरीके से। अब जो ये है निशान तीरे का, इसको हम मिला लेंगे। और इस तरीके से 0.5 इंच से, 0.5 इंच से कंधा गिरा लेंगे हल्का सा, इस तरीके से 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और तिरछा लगाएंगे निशान। इस तरीके से अब जो ये तीरे का निशान लगाया हुआ है 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और तिरछा निशान लगाएंगे ये इस निशान से
ऊपर तक। अब जो ये सेंटर है, सेंटर पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे 1.5 इंच, और गहराई का निशान 0.5 इंच मिलाते हुए इस तरीके से हमने 0.5 इंच सेंटर से लगाया है निशान। और अब हम आर्म होल का शेप देंगे, ऐसे शेप देंगे कि ये जो हमने 0.5 इंच बढ़ा करके लगाया है निशान, इससे मिला करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने ऊपर से तीरे की कटिंग कर ली है, हल्का कंधे के पास से तिरछा सा तिरछा करके। और जो आर्म होल का जो निशान लगाया हुआ है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आगे का पल्ला और बैक पल्ले से आर्म होल से मतलब पीछे का बड़ा रहता है और आगे का छोटा। तो हम सेंटर से नापेंगे 1 इंच इस तरीके से। अब जो ये हमने 1 इंच नापा है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे बैक पल्ले के आर्म होल के लिए इस तरीके से। अब जो हम कटिंग करेंगे तो ये बाहर वाले पल्ले से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये 4 पल्ले हैं आगे पीछे के। अब जो है हम यहाँ से मार्जिन लेते हुए 2-2 इंच का पूरा, मार्जिन छोड़ेंगे करीब 0.5 इंच। इस तरीके से अब जो ये हमने मोरी का निशान लगाया हुआ है, इस पे हम कट कर लेंगे दोनों साइड। अब इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे पूरा, और अंदर की साइड वाले पल्ले को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। इसमें से हमने बैक पल्ला काट करके अलग निकाल लिया है। अब जो ये आगे का पल्ला है, जो हमने आर्म होल, मैंने पहले बताया था कि बैक पल्ला का आर्म होल बड़ा रहता है और आगे का छोटा, इसको हम निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे जैसे ये निशान है। इस तरीके से ये हमारी जंप सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? जंप सूट की सिलाई देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।